चलिए तो सीधे लिए चलते हैं आपको टनकपुर चंपावत, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होली मिलन समारोह कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संबोधित भी किया। अब इसके बाद वो कार्यक्रम में निरीक्षण कर रहे हैं किस तरह से कार्यक्रम किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सभी वरिष्ठ महानुभाव, सभी पदाधिकारीगण, सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, हमारे प्रशासन के जिलाधिकारी की, हमारे पुलिस पुलिस अधीक्षक की एवं समस्त प्रशासन के आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी कार्मिक बंधु, मैं इस बहुत जो रंगों का त्यौहार है, रंगों के त्यौहार की आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि रंगों के त्यौहार आप सबके जीवन में विभिन्न प्रकार के खुशियों के रंग भरे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। और आज ये रामलीला ग्राउंड है, ये लोहाघाट क्षेत्र में हमारी माताएं बहनें जो बड़ी संख्या में यहां पर, मैं भी आप सबके बीच में, जो आप लोगों का लोहाघाट में कमेटी का बड़ा कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में आना चाहता था, लेकिन पहले ही क्योंकि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होने के कारण से मैं आप सबके बीच में नहीं आ पाया। लेकिन आप लोगों का क्या अद्भुत, मैंने आपकी देखी जो होली वीडियो में देखी है, टेलीविजन पर देखी, मुझे लगता है कि पूरे उत्तराखंड में सबसे अच्छा रंगों का उत्सव, रंगों की होली, और सांस्कृतिक रूप से हमारी संस्कृति के अनुरूप कहीं पर अगर आयोजित हुई होगी तो उसमें पहला नंबर किसी को दे सकता हूं। तो पहले नंबर की होली आप सब लोगों ने करी है। और आज यहाँ क्लब की बहनें भी है, कनक लोहाघाट में जहां हमारे मेहता जी के पूरी अध्यक्षता में साकार कार्यक्रम हो, वहीं हरेला क्लब टनकपुर के जो हमारी मातृशक्ति है, हमारे हरेला क्लब के देवीधर जोशी जी हैं, उन सबका भी बड़ा योगदान है और एक नई यहाँ पर शुरुआत हुई है, उसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हम लोगों ने सरकार की तरफ से, उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक नई शुरुआत के आदर्श चंपावत, यानी कि आदर्श चंपावत माने कि आदर्श चंपावत पूरा चंपावत जनपद वह आदर्श बने, एक रोल मॉडल बने, और आने वाले समय में जहां आदर्श चंपावत बनेगा, आदर्श चंपावत से आदर्श उत्तराखंड की ओर हम बढ़ेंगे। एक रोल मॉडल के रूप में जैसा चंपावत जिला होगा, उसी तरह पर संपूर्ण उत्तराखंड का विकास होगा। अभी 9 तारीख से यहाँ पर कूड़ागिरी मैया का भी बड़ा श्रद्धालुओं का मेला यहाँ पर प्रारंभ होने वाला है। निश्चित रूप से वो मेला भी आने वाले समय में वो केवल टनकपुर, बनबसा और इस रास्ते से आने जाने तक सीमित न रहे। हमारा प्रयास है कि कुछ लोग उसमें से चंपावत जाएं, कुछ लोग मां रणकोची मैया की तरफ जाएं, कुछ हमारी बाराही मैया का स्थान देखने जाए, कुछ मायावती आश्रम देखने जाए, कुछ लोहाघाट में जाए, कुछ जुप्तेश्वर महादेव, सप्तेश्वर महादेव, हमारा गोलजू का स्थान, घट्टू मंदिर, मंच तामली की तरफ हमारा गुरु गोरखनाथ जी का स्थान, उन सभी स्थानों को जाए, कुछ लोग श्यामला ताल भी जाए,
अभी नया श्यामला ताल में भी नौकायन का काम प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर हमने पिछले दिनों यह प्रयास किया है कि शारदा घाट को हरिद्वार व ऋषिकेश की तर्ज पर इस घाट का निर्माण किया जा रहा है तथा प्रातः एवं सायकाल आरती प्रतिदिन इसकी शुरुआत हुई है, जिससे कि माँ पूर्णागिरी में आने वाले जितने भी हमारे तीर्थयात्री हैं वो इस जो नया घाट बन रहा है उस घाट में आरती का और स्नान का दोनों का ही अवसर उनको मिलेगा। कनकपुर क्षेत्र में पहले ही पुस्तकालय के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। चंपावत जनपद के कनकपुर क्षेत्र में यहीं पर आप सब लोगों के लिए, चूंकि ये हमारे पूरे पर्वतीय क्षेत्र को जाने वाला एक द्वार भी है, माँ पूर्णागिरी का भी यहाँ से यात्रा ऊपर को जाती है, तो यहाँ पर अभी 56 करोड़ की लागत से ISBT का जो निर्माण होना है, एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा यहाँ पर बनना है, उसकी भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जल्दी ही यहाँ पर स्वीकृति प्रदान होगी। अभी पिछले दिनों मुझे लोहाघाट जाने वाले, चंपावत जाने वाले, पिथौरागढ़ जाने वाले सभी लोगों ने कहा है कि रात को भी चूंकि आप सड़क बन गई है, तो मैंने जिलाधिकारी जी को और यहाँ पर बता दिया था कि यहाँ पर इसकी रात की भी जो परमिशन है आने जाने की आप प्रदान हो जाएगी, सिवाय जिन दिनों बरसात आती है और आपदा का समय होता है उन दिनों को छोड़कर, और ऐसे अनेकों कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए इस अवसर पर, क्योंकि आप सब लोगों के आशीर्वाद से, माँ पूर्णागिरी के आशीर्वाद से लगातार हम लोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड को लगातार आगे बढ़ाने के लिए, उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, उत्तराखंड हिंदुस्तान के अग्रणी पंक्ति के राज्यों में हो, उत्तराखंड हमारा श्रेष्ठ उत्तराखंड बने, उसके लिए विकल्प रहित संकल्प, जो हमने विकल्प रहित संकल्प लिया है उस संकल्प को पूर्ति के लिए हमें जहां आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका मार्गदर्शन चाहिए, आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए और आपका स्नेह चाहिए, जिसके कारण से हम उत्तराखंड राज्य के निर्माण में, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में पूरी शक्ति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। और निश्चित रूप से मैं जब भी आप सबके बीच में आता हूँ, अपनी माताओं बहनों को देखता हूँ, मातृशक्ति को देखता हूँ, उनके आशीर्वाद को देखता हूँ, तो मेरे अंदर एक नई ऊर्जा और नई शक्ति का संचार होता है, और आप सबके द्वारा जो ये आशीर्वाद दिया जाता है उसी का परिणाम है कि आज मैं बहुत सारे जो उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के नाते बहुत सारे फैसले ले पा रहा हूँ। इसके लिए मैं असली श्रेय अपनी माताओं बहनों को देना चाहता हूँ। तो पुनः आज के अवसर पर आप सभी को और होली की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि मुझे बताया गया कि 3 बजे से आप लोग आ गए थे और मैं भी सवेरे 6 बजे से चला हूँ, लेकिन आते 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 इतना विलम्ब हो गया। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा भी मांगता हूँ और आपका सुंदर ये सांस्कृतिक आयोजन देखकर मैं अभिभूत हूँ, और हमारा प्रयास होगा कि ये जो शुरुआत हुई है ये आने वाले वर्षों में भी और तेजी से चले। पुनः एक बार सभी को शुभकामनाएं, आप सबका धन्यवाद और आप सबको बधाई। सभी बात करते हैं, अनुरोध है आने वाले मुख्यमंत्री जी और गीता गांधी जी।